खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग आज की जाएगी। पश्चिम बंगाल में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होगा। 72,000 से ज्यादा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 5,67,00,000 मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। 11 जुलाई को आएंगे पंचायत चुनाव के नतीजे और उन नतीजों में कौन बाजी मारता है ये देखने वाली बात है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये पंचायत चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर अपने प्रतिनिधियों को लोग चुनेंगे। लेकिन उससे पहले हिंसा का वो दौर भी लोगों ने देखा है, जब एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई जगहों पर हिंसा हुई। बीजेपी आरोप लगाती रही कि उनके प्रत्याशियों को नामांकन नहीं फाइल करने दी जा रही या प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। ऐसे में आज बहुत अहम है, जब जनता को यह तय करना है कि वो अपना प्रतिनिधि किसे चुने। इधर पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा की घटना सामने आई है। कूचबिहार और मुर्शिदाबाद में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। मुर्शिदाबाद में आपस में टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। दिनहाटा में कांग्रेस कार्यकर्ता पर गोलीबारी हुई। पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनाव होना है और चुनाव से पहले तैयारियां बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि उन तैयारियों के बीच में हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मामला कूचबिहार का है। इससे पहले कई इलाकों में हिंसक घटनाओं की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने खुद हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया है।